हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल क्वेरी सॉल्वर। आई एम योर एजुकेटर सुरेंद्र सिंह एंड टुडे आई विल टीच यू नाउन एंड द जेंडर। स्टूडेंट, जैसे कि आपको पता होगा, इससे ऑलरेडी मैं दो वीडियो डाल चुका हूँ, जिसमें मैंने फर्स्ट वीडियो मैंने आपको नाउन के बारे में बताया था कि नाउन क्या होता है और इन टाइप्स ऑफ नाउन, और नाउन को मैंने चेंज करना बताया था। सेकेंड में मैंने बताया था नाउन एंड द नंबर, नाउन एंड नंबर वाले चैप्टर में बताया था मैंने क्या सिंगुलर होता है, क्या प्लूरल होता है। अगर हमें किसी भी नाउन को अगर सिंगुलर से प्लूरल में कन्वर्ट करना हो तो उसके बारे में मैंने बहुत कई सारे महत्वपूर्ण रूल उसमें बताए थे आपको। तो आज की जो क्लास है वो है आपकी नाउन एंड द चैप्टर के बारे में। तो स्टूडेंट, जैसे कि आपका नाम है, इसमें जेंडर क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं हम पहले। द नाउन विच डेनोट मेल और फीमेल सेक्स इज कॉल्ड जेंडर। स्टूडेंट, जब हम बात करते हैं, यानी कोई भी ऐसी नाउन है जो कि डेनोट्स क्या करती है, आपको बताती है या मेल या फीमेल सेक्स के बारे में, तो उसको आप क्या बोलते हो, जेंडर। अगर हमें पता चलता है किसी नाउन से या मेल सेक्स के बारे में बताता है या फीमेल के बारे में, तो उसको आप जेंडर बोलते हैं। यहाँ एग्जाम्पल दिया गया आपका बॉय, फादर, ऑक्स, डॉग। तो ये स्टूडेंट आपको पता है ये हमें क्या बता रहे हैं, पुल्लिंग के बारे में बात कर रहे हैं, यानी कि पुरुष के बारे में हमें यहाँ से बोध हो रहा है कि बॉय क्या होता है, लड़का होता है, फादर, ऑक्स, डॉग, ये क्या है आपके मेल सेक्स के अंदर आते हैं, गर्ल, मदर, काउ, विच, ये आपके फीमेल सेक्स में आते हैं। अब बात आती है स्टूडेंट टाइप ऑफ जेंडर, जेंडर कितने टाइप्स की होती है। जेंडर के 4 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट है मैस्कुलिन जेंडर, इसका मीन्स होता है पुल्लिंग। फीमेनाइन जेंडर मतलब स्त्रीलिंग। कॉमन जेंडर होता है ओवेलिंग, और न्यूट्रल जेंडर होता है नपुंसकलिंग। स्टूडेंट, अब आप बात करते हैं इनके बारे में एक फुल डिटेल में, ये क्या होते हैं और समझेंगे बहुत ही अच्छी तरीके से हम एग्जांपल के थ्रू। स्टूडेंट, वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, क्योंकि इसमें मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश की है। तो फर्स्ट है आपका मैस्कुलिन जेंडर, द नाउन विच डेनोट मेल सेक्स इज कॉल्ड मैस्कुलिन जेंडर। यानी कोई नाउन है जो आपको बताती, क्या बताती है, मेल सेक्स, यानी पुरुष के बारे में, यानी कोई ऐसी नाउन जिससे हमें बोध होता है कि ये बात की जा रही है कि पुरुष के बारे में, तो उसको आप बोल सकते हो मैस्कुलिन जेंडर। जैसे बॉय, फादर, ब्रदर, टाइगर, लॉयन। तो इनसे क्या स्टूडेंट पता चल रहा है, इनसे पता चल रहा है कि ये आपके मेल सेक्स को बताते हैं, तो इसको हम मैस्कुलिन जेंडर कहते हैं। नेक्स्ट आपका सेकंड पर फीमेनाइन जेंडर, द नाउन विच डेनोट्स फीमेल सेक्स इज कॉल्ड फीमेनाइन जेंडर। यानी कि ऐसी कोई नाउन जो हमें बताती है, क्या बताती है स्टूडेंट्स, के जो फीमेल सेक्स के बारे में बताती है, फीमेल के सेक्स के बारे में, और यहाँ ये आपको बताती है मेल सेक्स के बारे में। तो फीमेल सेक्स के बारे में बताती तो आप उसको फीमेनाइन जेंडर, यानी कि स्त्री के बारे में बताती है। जैसे गर्ल है, मदर है, सिस्टर है, पीस, नेचर, लॉयंस, हीरोइन। तो ये क्या है स्टूडेंट्स, क्वीन है आपका, ब्राइड है, लेडी है, वूमेन है, वाइफ है, नाइस, मैडम है, डॉटर है, ये क्या है आपकी, इनसे पता चल रहा है ये सब आपके फेमिनाइन जेंडर होते हैं। नेक्स्ट आपका कॉमन, द नाउन विच डज नॉट स्पेसिफाई द सेक्स बट ओनली इंडिकेट ए लिविंग थिंग इज कॉल्ड कॉमन जेंडर। स्टूडेंट, इसका मीन्स ये होता है कि वो ऐसी नाउन जिसमें हमें ये तो नहीं पता चलता कि मेल, ये क्या बताता है सेक्स के बारे में, तो आपको नहीं बताता है कि ये मेल है या फीमेल है। बट इंडिकेट क्या करता है, लिविंग थिंग्स, यानी कोई ऐसी कि जिसमें आपका फीमेल और मेल दोनों की आपको टैलेंट मिलता है, हम कहें दोनों में जो भी उसमें समानता पाई जाती है उसको आप कॉमन जेंडर आप बोल सकते हो। जैसे बेबी, आपका बेबी है, स्टूडेंट है, प्रोफेसर है, टीचर, थीप, सर्वेंट, चाइल्ड, कजिन, इन्फेंट। जैसे कि स्टूडेंट आप यहाँ बताया गया है बेबी, तो इसके बेबी यहाँ बताया गया है, बेबी जो होता है उस छोटे बच्चे के लिए बोला जाता है, चाहे वो आपके गर्ल हो या बॉय हो। ऐसे स्टूडेंट क्या है, कॉमन है, कॉमन नाम है यहाँ पर, तो ये क्या आपका कॉमन जेंडर है। स्टूडेंट में क्या होता है, गर्ल भी आते हैं, बॉयज भी आते हैं। ऐसे प्रोफेसर है, तो प्रोफेसर में आपकी वुमेन प्रोफेसर भी हो सकती है, मैन प्रोफेसर भी हो सकता है। जैसे टीचर आपका, तो टीचर आपकी लेडीज भी हो सकती है और आपका जेंट्स भी हो सकता है। ऐसे चाइल्ड है, लड़का हो सकता है या लड़की भी हो सकती है,
तो इस तरीके से क्या पता चलता है स्टूडेंट, जिसमें कॉमन नाउन वो होती है जिसमें मेल और फीमेल दोनों का कंबाइन होता है। नेक्स्ट आपका न्यूट्रल जेंडर, द नाउन विच डेनोट ए नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट और ए थिंग विच लाइफ इज कॉल्ड न्यूट्रल जेंडर। यानी कि ये क्या होता है स्टूडेंट, ये बताती है नॉन लिविंग थिंग से ऑब्जेक्ट होते हैं यानी कि निर्जीव निर्जीव वस्तुओं के बारे में बताती है, तो उसको आप न्यूट्रल जेंडर बोल सकते हैं। जैसे कि ट्री है, इंक पॉट है, टेबल है, मोबाइल है, कॉपी बुक है, रूम है, पेन है, टेबल है, तो ये सब आपके क्या है न्यूट्रल जेंडर यानी नमस्ते। अब बात आती है स्टूडेंट सम इम्पोर्टेंट मैस्कुलिन एंड फीमेलाइन जेंडर यानी वर्ड्स हैं। एक तरफ आपके दिए गए यहाँ पर मैस्कुलिन वर्ड्स और दूसरी साइड में दिए गए आपके फेमिनाइन वर्ड्स, यानी कि पुल्लिंग से आपको स्त्री लिंग कैसे कन्वर्ट करना है मैंने डायरेक्टली विदाउट के यहाँ पर आपको बता दिया है, डायरेक्टली आप इनको याद कर सकते हो। अगर आपको याद है तो और अच्छी बात है, अगर नहीं याद है तो आपने याद कर लीजिएगा, इससे आपकी वोकैब भी स्ट्रांग होगी और आपका जो और ये आपका जो जेंडर है ये भी आपके डाउट सारे क्लियर करेंगे। स्टार्ट करते हैं यहाँ से। फर्स्ट है आपका नेप्यू, नेप्यू मीन्स होता है स्टूडेंट भतीजा, और नीस होता है भतीजी या बांझी। हस्बैंड, हस्बैंड क्या होता है आपका मैस्कुलिन यानी इसे क्या है पुरुष पुरुष का बोध होता है, और वाइफ क्या आपका पत्नी यानी कि स्त्रीलिंग। ऐसे मैन का होता है वुमेन होता है। अंकल मीन्स होता है चाचा, और आंट मीन्स होती है चाची। ब्रदर मीन्स होता है भाई, तो भाई क्या होता है सिस्टर। बहन, सन मीन्स पुत्र होता है, डॉटर मीन्स पुत्री होता है। तो स्टूडेंट ये इनके क्या है ये पुल्लिंग से आपके स्त्रीलिंग में कन्वर्ट आपके हो रहे हैं यहाँ पे। इसे सर है, और अगर आप किसी लेडीज़ को इंडिकेट करना हो तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे मैडम। नेक्स्ट आपका वुल मीन्स वेल, काउ मीन्स गाय, कॉक मीन्स मुर्गा, हैन मीन्स मुर्गी। वैचलर ये यूज किया जाता है फॉर अनमैरिड बॉय, एंड मेड एंड स्पिनिस्टर ये यूज किया जाता है अनमैरिड गर्ल के लिए। डॉग का स्टूडेंट आपको अगर पूछा जाता है फीमेलाइन जेंडर बताओ तो विच होता है आपका। मॉन्क मीन्स होता है मैंथ, नन मीन्स होता है मैंथनी। किंग का क्वीन होता है, विडोवर का विडो होती है। ब्राइड ग्रूम दूल्हे का होता है आपका ब्राइड यानी कि दुल्हन। जेंटलमैन का होता है लेडी, लेड होता है बॉय, और लेस मीन्स होता है लड़की। लवर मीन्स होता है प्रेमी, और वी लव्ड होता है प्रेम पर। नेक्स्ट एग्जांपल आपका विजार्ड मीन्स होता है जादूगर, तो इसका होता है बिच, बिच मीन्स क्या होता है जादूगर ने। स्टैक यूज किया जाता है बारह सिंगा के लिए, इसका होता है हिंड, हिंड मीन्स हिरनी। पापा का होता है मम्मा, लॉर्ड मीन्स स्वामी, तो लेडी मीन्स स्वामिनी। हेंड मीन्स होता है नरहंस, और गोज मीन्स होता है मादंस। अल मीन्स सामंत, और काउंटलेस मीन्स सामंत की पत्नी। ड्रॉक मीन्स होता है नरबतक, और डक मीन्स होता है मादा बतक। ऑल्ट मीन्स होता है घोड़े का बछड़ा, और फ्ली होता है घोड़े की बाछी। वक मीन्स होता है नर खरगोश, डॉय मीन्स होता है मादा खरगोश। फॉक्स मीन्स लोमड़ी, विक्सन होता है इसका मादा लोमड़ी के लिए। रैन मीन्स होता है बेड़ा, और व्यू मीन्स होता है बेड़ी। हॉर्स मीन्स घोड़ा, मैन मीन्स घोड़ी। प्रिंस का प्रिंसेस होता है, लॉयन का लॉयनिस, पोइट का पोइटिस, ईयर का एरीज, ऑथर का ऑथराइज, और ये आपका वेरन का वेरेंस, काउंट का काउंटेस। जेंट मीन्स राक्षस होता है, जेंटेस यानी राक्षसनी। होस्ट मीन्स होता है मेजबान, होस्टेज मीन्स होता है जो महिला होती है जो गेस्ट की देखभाल जो करती है उनको होस्ट करती है उसको बोलते हैं होस्टे। ज्यू मीन्स होता है यहूदी, तो ज्यूस मीन्स यहूदीन। मैनेजर का होता है मैनेजरीज। मेयर का होता है संरक्षक, तो इसका होगा मेयरेस। पैट्रॉन तो पैट्रोनिस। पियर मीन्स सामंत, तो पियरनेस। प्रिस्ट मीन्स पुजारी होता है स्टूडेंट, तो प्रिस्टीज। प्रॉपेट तो प्रॉपेट्स। तो ये आपके स्टूडेंट ये हमने ये जो मैस्कुलिन यानी कि पुल्लिंग से हमने स्त्रीलिंग बनाया इनके सबके,
नेक्स्ट आपका सेफर्ड मीन्स गडेरियन, सेफर्ड इस मीन्स हो गया गडेरियन। स्टीवर्ड मीन्स होता है भंडारी, स्टीवर्ड मीन्स भंडारन। एक्टर होता है अभिनेता, तो एक्टर की फीमेल जेंडर होगा आपका एक्ट्रेस। मास्टर का मास्टरेस, मास्टर मीन्स शिक्षा, तो मास्टर्स। एक जो होता है मास्टर वो हम यूज़ करते हैं फॉर जो लैंडलॉर्ड होता है, जो घर का जो मालिक होता है उसके लिए, और एक मास्टर यूज़ किया जाता है स्टूडेंट आपका जो टीचर होते हैं आपको जो पढ़ाते हैं उनके लिए। एक मास्टर लड़के के लिए यूज़ किया जाता है, और मिस यूज़ किया जाता है स्पेशली जो कुंवारी लड़कियाँ जो होती हैं अनमेरिड जो गर्ल्स होती हैं उनके लिए यूज़ किया जाता है आपका मिस। टाइगर मीन्स होता है बाघ, तो टाइग्रेस होता है स्टूडेंट इसका फीमेल जेंडर। नेक्स्ट आपका एम्प्रॉयर मीन सम्राट, तो एम्प्रेस सम्राज्ञी। बेनिफैक्टर होता है स्टूडेंट पुरुष दानी, अगर कोई पुरुष है तो आप उसको बोलते हो बेनिफैक्टर। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि उसका महिला जो होगी उसका, तो आपको फीमेल जेंडर बनाना हो तो बेनिफैक्ट्रेस। कंडक्टर पथ प्रसक और कंट्रैक्ट। फाउंडर होता है संस्थापक किसी भी संस्था का, तो उसको बोलते हैं उसका, अगर आपको फेमिनाइन जेंडर बनाना हो तो फाउंडर्स। हंटर होता है शिकारी, तो हंटरेस। नीग्रो होता है हफ्सी, ये अमेरिका में जो आपके जो अफ्रीका साइड के जो देश हैं वहाँ पर ये आपकी एक जाति पाई जाती है नीग्रो, तो उसका बनता है स्टूडेंट नीग्रोस। प्रेस्पेक्टर होता है उपदेशक, तो प्रोस्पेक्टर्स। सॉन्गस्टर होता है गायक, तो सॉन्गरेस्ट। टेम्पटर होता है प्रबोलन देने वाला, यू ग्रेडी लालची। टेम्प्रेस मीन्स प्रबोलन देने वाली लेडीज। नेक्स्ट है स्टैम्पिंग दर्जी, तो सीम स्ट्रेस दर्जन। टेट्रोर होता है धोखेबाज, तो टेट्रेस। वेटर होता है होटल का सेवक, जो होटल में आपको खाना पीना देते हैं उनको बोलते हैं आप वेटर। अगर उनका आपको फीमेल जेंडर बनाना हो तो बैट्रेस। ड्यूक होता है सामंत, तो ड्यूकेस ड्यूकेस। नेक्स्ट है मार्गिस मीन्स सामंत, तो मार्किनेस। मर्डर होता है हत्यारा, तो मर्डरेस। हीरो का होता है आपका हीरोइन। सुल्तान का होता है सुल्ताना। एडमिनिस्ट्रेटर होता है प्रशासक, एडमिनिस्ट्रिक। स्टूडेंट इसमें क्या है, इनको एक्स में कन्वर्ट कर दिया है आर एक्स, उसको आई एक्स लगा करके। एक्सक्यूटर में तो संपादन करता होता है, उसका फीमेल जेंडर होता है एक्सक्यूट्रिक्स। नेक्स्ट है टेस्टेटोरर, यानी वसीयत करने वाला, उसको बोलते हैं टेस्ट्रेक। किजेन होता है रूस का सम्राट, यानी जार, सी जेड ए आर। जार स्टूडेंट ये वर्ड यूज़ किया था जो रूस की जो सम्राट होता था, किंग होता था उसके लिए, तो जारनिया यानी रूस की सम्राटनी। नेक्स्ट आपका मिल्कमैन, अगर आप उसका फीमेल जेंडर बनाएंगे तो मिल्क मेड। ग्रैंड फादर का बनता है स्टूडेंट ग्रैंड मदर। लैंड रॉड का लैंड लेडी। पीकॉक का होता है पीहेन। ही गॉट का होता है सी गॉट। ही कैट का होता है सी कैट। ही बियर का सी बियर। मैन सर्वेंट यानी नौकर का होता है मैड सर्वेंट यानी कि दाई। वॉशरमैन का होता है वॉशर वूमेन। वुल कॉफ होता है बछड़ा, तो काउ वुल्फ होता है बछड़ी। कॉक स्पैरो यानी कि जो नर गौरैया होती है, चिड़िया होती है, उसका जो फीमेल जेंडर बनता है वो बनता है आपका हैन स्पैरो। जैकास बोलते हैं स्टूडेंट गधे को, तो जैनियास हो गया उसका गधी। एबॉट होता है मठाधिकारी, तो एबीएस यानी मठाधिकारी। ड्रोन होता है नर मधुमक्खी, तो वी होता है मादा मधुमक्खी। स्टूडेंट ये आपको ध्यान रखने होंगे, आप अपनी नोटबुक में इनका आप उतार सकते हो एक बार में अगर समझ में आए, ठीक है, नहीं तो आप वीडियो को दोबारा भी आप देख सकते हो। ऑक्स का काव होता है। ब्रदर इन लॉ का सिस्टर इन लॉ। सन इन लॉ का स्टूडेंट डॉटर इन लॉ। स्टेप सन का स्टेप डॉटर। स्टेप फादर स्टेप मदर। स्टेप ब्रदर स्टेप सिस्टर। मैटरनल अंकल का मैटरनल आंटी। मैटरनल ग्रैंड फादर नाना का बनता है स्टूडेंट मैटरनल ग्रैंड मदर फीमेल जेंडर। एडॉप्शन होता है दत्तक पुत्र, जो हम गोद वगैरह ले लेते हैं उस, तो इसका बनेगा अडॉप्ट डॉटर। नेक्स्ट है वॉलक मीन्स बादशाह, तो हैपर। वुल्फ मीन्स होता है नर खरगोश। सांवर या हिरन के लिए यूज़ करते हैं, तो
तो डॉग यूज करते हैं स्टूडेंट, वो मादा खरगोश, सांवर और हिरन, इनके लिए भी आप इसको यूज कर सकते हो। नेक्स्ट आपका हर्ट, हर्ट मीन्स होता है हिरन और रॉय मीन्स होता है स्टूडेंट हिरनी। फ्रेन होता है सन्यासी, नन मीन्स होता है सन्यासिनी। स्वयं मीन्स युवा पुरुष, गडेरिया के लिए भी, और नायफित मीन्स होता है युवती या देहातिन या महिला। गवर्नमेंट जो यूज किया था गवर्नर, वो होता है राज्यपाल, और अगर आपको उसका लेडीज अगर आपसे पूछा जाए कि भाई राज्यपाल का गवर्नर होता है, गवर्नर का आपको बताना है फीमेल जेंडर, स्त्रीलिंग बताओ क्या बनेगा, तो आप क्या बनाओगे गवर्नर्स यानी कि महिला राज्यपाल। इंस्पेक्टर होता है निरीक्षक और या परीक्षक, तो इंस्पेक्टर्स। गॉड होता है देवता, तो गुडेस मीन्स हो गया देवी, गॉडिस। मिस्टर होता है श्रीमान या महोदय, तो मिसेस, महोदय या श्रीमती। स्कूल मास्टर जो होता है यानी कि जो पाठशाला के जो अध्यापक होता है, उसका अगर आपको फीमेल जेंडर बनाना, तो स्कूल मिस्ट्रेस यानी पाठशाला की अध्यापिका। वेगर मैन मीन्स होता है स्टूडेंट भिखारी, तो वेगर वुमेन। ग्रेट अंकल, तो वहाँ पर ग्रेट आंटी। ही वो फेलो, तो सी वो फेलो। डायरेक्टर, तो आपका डायरेक्टरेस। वॉटरी, तो वॉटरीज पास का। बॉयफ्रेंड होता है लड़का दोस्त, और गर्लफ्रेंड होता है लड़की दोस्त। चेयरमैन सभापति होता है, चेयरपर्सन हो गया महिला सभापति। तो स्टूडेंट ये थे आपके नाउन एंड द जेंडर। तो इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि हम किस तरीके से जो आपकी मैस्कुलिन जेंडर यानी कि पुल्लिंग से आपको स्त्रीलिंग में किस तरीके से आप कन्वर्ट कर सकते हो। तो इसमें कई सारी चीज़ मैं आपको बताऊं बहुत आसानी से, जैसे कहीं भी अगर आपके सन का यूज़ किया जाएगा, जैसे सन है तो वहाँ पर स्टूडेंट हम डॉटर का यूज़ करते हैं, कहीं ब्रदर है तो वहाँ हम सिस्टर का यूज़ करते हैं, अगर कहीं फादर है तो वहाँ मदर का जरूर यूज़ करेंगे हम, ब्रदर सिस्टर हो गया। अगर मैटरनल या अंकल यूज़ किया गया है तो आप यहाँ पर मैटरनल आंटी यूज़ करोगे, यहाँ ये आपका ग्रैंड फादर है तो ग्रैंड मदर होगा, यहाँ पर अडॉप्ट सन है तो वहाँ अडॉप्ट डॉटर होगी। ठीक है, इस तरीके से आपको क्या करना है, जैसे अगर हम किसी भी जानवर का बनाते हैं तो जो आपका जो फेमिनाइन जो आपका मैस्कुलिन जेंडर होता है वह हम ही यूज़ करते हैं, और उसका फेमिनाइन जेंडर बनाते हैं तो स्टूडेंट वहाँ पर हम सी का यूज़ करते हैं। अगर हम किसी भी वर्ड का जो अगर हम बनाते हैं तो वहाँ पर हम हैन यूज़ करते हैं फॉर स्त्रीलिंग के लिए, और कोक यूज़ करते हैं स्टूडेंट फॉर मैस्कुलिन के लिए। बाकी इस तरीके से आपने इन सबको देख लिया है, और मैं आपको एक तरीके से इनको वीडियो आराम आराम से बना देता हूँ, जिससे अगर आपको इनको उतारना हो तो आप इनको आराम आसानी से अपनी कॉपी में आप इनको उतार लीजिएगा। और अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, मान लो अगर कोई वर्ड का अगर मीन समझ में नहीं आ रहा, तो आप मुझसे उसमें कमेंट सेशन में आकर के आप मुझसे पूछ सकते हो, आपके जो भी डाउट होंगे वो मैं क्लियर करूँगा। तो स्टूडेंट इसी के साथ करते हैं वीडियो का यहाँ पर समापन। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और फुल वॉच करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब टू आवर चैनल बाय क्लिकिंग द सब्सक्राइब बटन। क्लिक द बेल बटन एंड एंजॉय द लेटेस्ट अपलोड्स फ्रॉम आवर चैनल।